वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस मवाना रोड मसूरी मेरठ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच की मांग कर रहे अधिवक्ता आज मेरठ पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलना चाहते थे। बीते दिवस प्रशासन से उनकी व्यवस्था व समय निर्धारित करने की मांग भी केंद्रीय संघर्ष समिति के बैनर तले की गई थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्हें मुख्यमंत्री योगी से मिलने नहीं दिया गया। इसके विरोध में अधिवक्ता कचहरी के निकट अंबेडकर चौराहे पर धरना देकर बैठ गए और नारेबाजी शुरू कर दी। हालात बिगड़ते देख सीओ अरविंद चौरसिया ने सभी को समझाने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनने पर सभी को हिरासत में लेकर बस से पुलिस लाइन भेज दिया गया। यहां से कुछ समय बाद ही सभी को रिहा भी कर दिया गया। इस दौरान अधिवक्ता बराबर नारेबाजी कर रहे थे, हाई कोर्ट बेंच लेकर रहेंगे, ये दीवाने कहां चले, जेल चले, जेल चले, आवाज दो, हम एक हैं। देखिए अगर ये हम लोगों को हाईकोर्ट बेंच के बारे में सिफारिश करके नहीं भेजते हैं, हम तो मिलने को मना करते हैं, तो मैं यहाँ से खुलासा करता हूँ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिलों की मीटिंग मैं बहुत जल्दी ही किसी जिले में बुलाऊंगा, मेरठ में या बिजनौर में, और हम डिसीजन लेंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच हो। अगर ये हाईकोर्ट की बेंच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं देते हैं और ये चाहते हैं कि और जगह दो दो लाख आदमियों को दे रखी है इन्होंने, तो मेरा कहना ये है कि ये चार पांच बेंच बना दे, क्या दिक्कत। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए firstbite.tv। नमस्कार। फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ।